ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मालिक आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। इसी की प्रार्थना श्री साईं चरणों में करती हूँ कि मालिक सबको खुश रखना। और आज की इस वीडियो में शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हमारी नीलम आंटी जी के जो ब्रदर हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आप सभी उनके लिए प्रेयर करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उनका नाम है संजीव हेलन जी, तो ज़रूर प्रार्थना करें कि जल्दी से हमारी नीलम आंटी जी हमें कॉल करें और ये बोलें कि वो ठीक हो गए हैं और मालिक उनको जल्दी से स्वस्थ कर दे, क्योंकि बड़ों का दुख देखा नहीं जाता। जब आंटी जी ने कॉल किया तो मुझे बहुत 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 दुख लगा कि नहीं बाबा, वो जल्दी से अच्छे होने चाहिए। तो हर चेहरे पर एक मुस्कुराहट, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है कि रोते चेहरों को हंसाना है और साईं से मिलवाना है, क्योंकि जब बाबा मिल गए ना तो हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। हाँ, दुख आएंगे, दुखों को हम नहीं कम कर सकते, ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो आनी भी ज़रूरी है। वो आती है तब हमें हमारे मालिक का एहसास होता है, इसलिए दुखों से ना घबराएं, ठीक है? ये आएंगे, आने दो, हम बाबा के बच्चे हैं, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। चाहे किसी भी भगवान को मान लो, भगवान सब एक है, बस आपकी श्रद्धा। कहते हैं ना कि भगवान तो है, लेकिन जब भक्त का विश्वास बहुत ज़्यादा होता है ना, तब हर भगवान सुनता है। अब कई बार क्या होता है कि हमारी शिरडी से मन्नत पूरी नहीं हुई तो चलो किसी और दरबार में चलते हैं, है ना? ऐसे लोगों की मन्नत किसी भी दरबार में पूरी नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों का भले मन सच्चा हो लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है। और जिसका विश्वास दृढ़ होता है, जिसको पूरा विश्वास होता है कि नहीं, मेरा मालिक मुझे अंत समय में ही लेकिन बचाने ज़रूर आएगा, और उसका मालिक उसे बचाने ज़रूर आता है। तो इसलिए विश्वास होना चाहिए आपको, जिससे भी आप प्यार करते हो, जिसके लिए भी आप समय निकालते हो ना, उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो रिश्ता किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए चाहे रिश्ता भगवान से हो, और जब भी आप किसी भगवान को मानते हो ना तो कोई रिश्ता बना लो, क्योंकि जब रिश्ता बना लोगे ना तो आपको ये हुआ कि ये मेरा बाबा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी, मतलब जो भी रिश्ता आप बनाते हो तो उस रिश्ते से कुछ कनेक्शन ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, ठीक है? तो इसलिए अब हम जब किसी से नए मिलते हैं तो अगर एक दो बार मिलते हैं तो हम सोचते हैं ना, हम इसको क्या बोलेंगे। बच्चों को कहते हैं कि इनको भैया बोलना है, इसको आपको दीदी बोलना है, सिखाते हैं ना कि बेटा ये आपके भैया लगते हैं, ये आपके मामा लगते हैं, ये आपके चाचा लगते हैं। तो उसी प्रकार बाबा को भी कोई रिश्ता बनाओ। जैसे मेरे बाबा एक बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं, मेरी ज़िंदगी में दोस्त की कमी थी, मैंने बाबा को अपना फ्रेंड बना लिया। किसी ने बाबा को माँ बना लिया, किसी ने बाबा को पिता बना लिया, किसी ने भाई बंधु, अपनी बहन, सब कुछ बाबा को मानते हैं लोग। तो ये उनकी भक्ति है, उनका प्यार है। तो आप जिस भी रिश्ते से बाबा को अपनाओगे, बाबा आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो हमारे विश्वास से ही चमत्कार होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। भक्त का विश्वास जितना ज़्यादा होगा उतने ही चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, भगवान थोड़ी ना चमत्कार करते हैं, वो आपकी श्रद्धा है जो चमत्कार करने पर उनको मजबूर कर देती है। जिसकी श्रद्धा जितनी ज़्यादा होती है उसके साथ उतने ज़्यादा चमत्कार होते हैं, उतने ज़्यादा मिरेकल्स होते हैं। हम कहते हैं ना कि यार बाबा, उस पर आपने इतनी कृपा कर दी, तो ये भी तो देखिए कि उसने बाबा को वक्त कितना दिया है। हम ये देख रहे हैं कि बाबा ने उसको राजा बना दिया, हमने ये नहीं देखा कि उसने बाबा के लिए कितना संघर्ष किया। उसने अपने आलस्य को छोड़ा, अपनी चिंता को छोड़ा, सिर्फ बाबा पर लगा रहा। उसने हर परिस्थिति में यही कहा कि साईं है, ठीक है? आपको आज के बाद कभी ये मत बोलना कि आप अकेले हो, अगर मेरी बात मानते हो ना तो हमेशा ये बोलना कि साईं संभाल लेंगे, हमेशा साईं संभाल लेंगे। बोलना शुरू करो, आप देखना क्या होता है फिर, ठीक है? प्रॉमिस करो, मुझे कमेंट में लिखना कि हाँ साईं संभाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की हर कमेंट में यही होगा कि साईं संभाल लेंगे, और हर रोज़ हमें यही बोलना है कि साईं संभाल लेंगे।
ठीक है, देखते हैं आगे मालिक क्या करता है। तो आइए ग्यारह वचन पढ़ के प्रार्थना करते हैं। हमारे संजीव अंकल जी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं, बाबा उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दो, और जिनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है बाबा उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दो। आइए ग्यारह वचन का पाठ करते हैं। बाबा रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना देवा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सब पर रहम करें, बाबा सबका भला करें, साईं संभाल लेंगे। आप सभी को गुड नाइट, साईं शुभ रात्रि, बाबा का ध्यान करके सो जाइए, सब अच्छा होगा। हे देवा रहम करना, अच्छी अच्छी न्यूज़ देना, अच्छी अच्छी खबर सुनाना, सब जगह खुशियाँ हो, सबके घर में खुशियाँ रहें, सुख हो, समृद्धि हो, बरकत हो। जय साईं राम।